गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th केमिस्ट्री इन चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री और डेट हाल 22/6/2020। तो आज हम 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर है आपका सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, सॉरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। आज हम इसमें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आपका आता है एक्टिविटी। इंपोर्टेंट फीचर्स के अंदर फर्स्ट आपका क्या आता है? एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो एक्टिविटी है कैटलिस्ट की वो किसके ऊपर डिपेंड्स करती है? अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कैमिजोप्सन टू ए लार्ज एक्सटेंट। द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कैमिसोप्शन टू ए लार्ज। दो एक्टिविटी है कैटलिस्ट की वो किसके ऊपर डिपेंड्स करती है? अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कैमिसोप्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट, जो एक्टिविटी है किसी भी कैटलिस्ट की वो किसके ऊपर डिपेंड्स करती है? कैमिसोप्शन पर, कि वो है ना जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ कैसे जैसे सरफेस के साथ बॉन्ड बनाता है। और क्या कह रहा है? जो रिएक्टेंट मस्ट गेट एडजॉर्ब, और जो रिएक्टेंट है ना वो एडजॉर्ब होने चाहिए कहां पर? एक्टिव ऑन द कैटलिस्ट की सरफेस। जैसे आप इससे आप एग्जांपल समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एच टू गैस है प्लस ओ टू दोनों भी हैं, और ये आपका प्लेटिनम यहां पर है जी कैटलिस्ट के रूप में यूज हो रहा है, और ये आपके क्या बना रहे हैं? टू एच टू लिक्विड। तो अगर H2 और O2 गैस को आप अगर एक साथ रखते हो, चाहे 10 साल आप एक साथ इनको रख सकते हो 10 ईयर, तब भी ये वो कंबाइन होकर वाटर नहीं बनाएंगे। लेकिन H2 और O2 जब आपकी प्लेटिनम की सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं, प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, तो इसके एडजॉर्ब होने के बाद ये एक्टिव हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट कर देता है? इनको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। एक मैकेनिज्म और भी है वाटर को बनाने का, पर एक वाटर को हम ऐसे बना सकते हैं जब दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्लेटिनम इनकी कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या हो जाएंगे? एडजॉर्ब होकर बाय केमिसोप्शन और क्या बना लेंगे? वाटर एज ए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी स्ट्रेंथ ऑफ केमिसोप्शन, कि कितना आपका केमिसोप्शन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती। तो नेक्स्ट ये था आपका एक फीचर है एक्टिविटी। नेक्स्ट है इसमें सेलेक्टिविटी। जो नेक्स्ट फीचर हम पढ़ेंगे वो है आपका सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या कहता है? The selectivity of a catalyst is the ability to direct a reaction to yield a particular product. Selectivity का मतलब ये है कि जो एक particular catalyst है, एक particular reaction को ही catalyze करता है। जो selectivity है कि क्या होता है? Selectivity of a catalyst is the selectivity of a catalyst is the ability to is the ability to direct a reaction
एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि जो आपका कैटलिस्ट है एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन को ही कैटलाइज करके क्या बनाता है, आपका प्रोडक्ट बनाता है। जैसे आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल से आप देख सकते हो, सीओ जो आपकी गैस है, प्लस 3H2 गैस निकल यहां आए, जो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, तो ये आपका CH4 गैस प्लस H2O गैस। नेक्स्ट में आप देख सकते हो CO गैस प्लस 2H2 यहां गैस, और ये ZNO CR2O3 CH3OH एज ए गैस, और थर्ड में आप देख सकते हो CO गैस प्लस H2 गैस, और यहाँ आपका कॉपर, ये आपका HCHO गैस। तो देखो, आप यहां ध्यान से देखो, तीनों के अंदर रिएक्टेंट सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तीनों के अंदर आपके रिएक्टेंट क्या है, सेम है, लेकिन यहां निकल एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहा है तो मीथेन आपका प्रोडक्ट बना प्लस वाटर, और अगर हम जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सर को एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो आपका मीथेनॉल बन रहा है प्रोडक्ट में, और अगर हम कॉपर एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो आपकी मिथेनॉल गैस बन रही है। तो यहां क्या है, जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट है एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बनाता है, चाहे वाई रिएक्टेंट क्या हो आपके, सेम ही क्यों ना हो। क्लियर? तो सिलेक्टिविटी का मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाएगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही है। अब यहां तीनों के अंदर आप देख सकते हो रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट अलग अलग है, क्यों? क्योंकि तीनों के अंदर अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज कर। ओके, तो ये तो था आपका इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंजाइम कैटालिसिस। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एंजाइम कैटालिसिस। तो पहले एंजाइम कैटालिसिस से पहले आपको पता होना चाहिए एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या होते हैं एंजाइम्स, आर द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। They are very effective catalyst and catalyze
कैटलाइज न्यूमरस रिएक्शंस एंड कैटलाइज न्यूमरस रिएक्शंस एंड कैटलाइज न्यूमरस रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडीज ऑफ एंड कैटलाइज न्यूमरस रिएक्शंस दैट अकर्स इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेसेस टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। पहले सबसे पहले तो एंजाइम में आपको पता चल गया क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स होते हैं नाइट्रोजिनस, जो नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल, दे आर इफेक्टिव कैटलिस्ट। ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत बढ़िया कैटलिस्ट का काम करते हैं, और कैटलाइज न्यूमरस रिएक्शंस, और बहुत सारी रिएक्शंस है ना जो बॉडी के अंदर होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। इसलिए एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, सो एंजाइम्स आर कॉल्ड, सो एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट, आर कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट एंड फिनोमेना इज कॉल्ड बायोकेमिकल कैटालिसिस, बायोकेमिकल कैटालिसिस और एंजाइम कैटालिसिस। और ये जो है ना मेंटेन करते हैं, इसलिए एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। बायोकेमिकल वर्ड इसलिए है क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर काम करते हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटालिसिस या एंजाइम कैटालिसिस। इसके कुछ एग्जांपल हैं, एक दो आप देख सकते हो, जैसे एंजाइम कैटालिसिस के एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये आपका C12H22O11 केन शुगर है, इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होती है किसकी प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तभी किस में टूट जाता है, C6H12O6 एक्वस प्लस C6H12O6 एक्वस, ये आपका है ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज। तो जो आपका केन शुगर है, इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, किसकी प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। एक सेकंड वाला एग्जांपल आप देख सकते हो, जो यूरिया होता है, फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है, ठीक है। इसके लिए इसकी जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इसकी हाइड्रोलाइसिस किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगी, तो वो आपकी होगी यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये आपका क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा प्लस आपकी CO2 गैस बनाता है। तो ये आपकी क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है और CO2 गैस। तो जैसे आपका अमोनिया यूरिया का हाइड्रोलाइसिस यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, केन शुगर का इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस।
अब हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। जो आपके एंजाइम कैटालिसिस है इसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है आपकी करैक्टरिस्टिक में मोस्ट हाईली एफिशिएंट। मोस्ट हाईली एफिशिएंट का मतलब यह है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन में ट्रांसफर वन मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट। कि एक मॉलिक्यूल एंजाइम का है वो 1 मिलियन जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उनको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो देखो इनकी कितनी ज्यादा एफिशिएंसी है कि एक एंजाइम का मॉलिक्यूल मिलियन ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म किस में कर सकता है, प्रोडक्ट में कर सकता है। इसलिए क्या है, मोस्ट हाईली एफिशिएंट है। सेकंड क्या है आपका, हाईली स्पेसिफिक नेचर। हाईली स्पेसिफिक नेचर का मतलब यह है कि जो आपके एंजाइम होते हैं ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। जैसे इन्वर्टेज है, ये केन शुगर को ही उसमें करेगा कन्वर्ट, ग्लूकोज फ्रक्टोज में। इन्वर्टेज है, ये यूरिया को नहीं करेगा कैटलाइज। तो ये क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। फिर थर्ड क्या है, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये आपके ना बहुत ही एक्टिव होते हैं अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका कितना होता है, 298 से 310 केल्विन पे। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं आपके एंजाइम्स, एक्टिव होते हैं। तो ये इसकी हम करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। और ये जो है ना आपके बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं पीएच। और पीएच वैल्यू कितनी होती है आपकी, पीएच वैल्यू होती है आपकी बिटवीन 5 to 7। जो ऑप्टिमम पीएच होती है 5 to 7, उसमें ये बहुत ही ज्यादा हाईली एक्टिव होते हैं अंडर ऑप्टिमम पीएच। और वो ऑप्टिमम पीएच कितनी वैल्यू होती है, 5 से 7 के बीच में, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। फिर क्या, इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम्स। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम। इनकी एक्टिविटी है, एंजाइम्स की कैटलिया एक्टिविटी है जब जो प्रेजेंस है एक्टिवेटर क्या होते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, या को एंजाइम की प्रेजेंस में इनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजंस। ये लाइक जो एंजाइम है ये कैटलिस्ट की तरह है, इनमें इनहिबिटर और पॉइजंस की प्रेजेंस में इनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो थे आपकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे,
मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो क्या होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ कैविटीज होती है प्रेजेंट ऑन द सरफेस। जो आपके एंजाइम्स होते हैं इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, और जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के बीच है वो कॉम्प्लीमेंट्री शेप, और मॉलिक्यूल्स की जो उनकी अपोजिट शेप होती है कॉम्प्लीमेंट्री। फिट इनटू दीज कैविटीज लाइक जस्ट लॉक एंड की। और प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप क्या बना देते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है तब आपके क्या बनते हैं, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग। देखो एक बार दोबारा से समझो क्या होता है, जो आपके एंजाइम्स होते हैं इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज की शेप ऐसी होती है कि उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ऐसे फिट हो जाते हैं लाइक लॉक एंड की की तरह, लॉक एंड की तरह फिट हो गई। उसके बाद जो आपके एक्टिव ग्रुप्स हैं वो क्या बना लेते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब डिकम्पोज होता है तो आपके क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो जो एंजाइम्स है वो The enzymes have a number of cavities present on their surface। जो एंजाइम्स है इनमें क्या होती है, नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप fit into these cavities just like a key fits into a lock. The presence of active groups form an activated complex which then decomposes to yield products। और इसमें देखो क्या होता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कंबाइन होकर ये आपके बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये तो आपका स्टेप फर्स्ट, और स्टेप टू में क्या होता है, आपका एंजाइम जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये डीकम्पोज होके ई प्लस ए में कन्वर्ट हो जाता है। देखो आप, मैंने आपको बता दिया था जो मैकेनिज्म में क्या है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी एंजाइम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें बहुत सारी कैविटीज होती हैं, और कैविटीज में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फिट ऐसे हो जाते हैं जस्ट लाइक ए की फिट इनटू लॉक। और जो एक्टिव ग्रुप होते हैं उसके ऊपर वो क्या बना लेते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब डिकम्पोज होता है तो क्या प्रोडक्ट, जैसे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कंबाइन होकर क्या बना लिया, ईएस, आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और सेकेंड स्टेप में ये जब ये डिकम्पोज होगा तो एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका अलग हो जाएगा।
तो ये तो था आपका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, और नेक्स्ट है आपका कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री, जो कैटलिस्ट होते हैं इन इंडस्ट्री, कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जैसे आपका अमोनिया बनता है बाय हैबर प्रोसेस टू एन3 गैस। तो यहां आपका हैबर प्रोसेस, तो इसमें आपका हैबर प्रोसेस से जो हम अमोनिया बनाते हैं इन इंडस्ट्री में, तो यहां आपका आयरन का एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। और आपकी जो ओस्वाल प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, उन दोनों में प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो इस तरह से और भी कैटलिस्ट हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, एक तो इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, इसमें थी आपकी एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। नेक्स्ट हमने एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम्स क्या होते हैं और फिनोमेना, फिर हमने पढ़े थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, भाई क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मोस्ट हाईली एफिशिएंट, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच और इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स, और इफेक्ट ऑफ आपका क्या था इनहिबिटर्स एंड पॉइजंस, हाईली स्पेसिफिक नेचर, ये इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, लो की मैकेनिज्म जो पढ़ा था, और लास्ट में हमने पढ़े हैं कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रीज, कौन कौन से हैं कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।